गाइस गॉडजिला की एज अभी 5 साल है और देख सकते हो गाइस ये रहा गॉडजिला की डैड, मतलब लाल वाला गॉडजिला की डैड है और जो हरा वाला गॉडजिला है ये इसकी मॉम है। सो दोनों की कॉम्बिनेशन से गॉडजिला बना है, इसलिए गाइस गॉडजिला के पीछे ब्लू है और यही सारे आइलैंड अपना घर है। मतलब अपन इधर ही रहते हैं और कभी कभी पानी के अंदर भी जाते हैं, लेकिन अपन भी बहुत छोटे हैं सो अपन ज़्यादा कुछ नहीं करते। अपना गॉडजिला छोटा है लेकिन इसके पास भी बहुत ही ज़्यादा पावर है। देखो इसे जंप लगा सकता है और बहुत ही इसे भाग भी सकता है, बट इसके डैड और भी ज़्यादा पावरफुल है। तो जैसे इसे गॉडजिला बड़ा बनेगा इसकी पावर भी इसकी डैड की तरह बन जाएगा और शायद ये भी इसकी डैड की तरह लाल बन जाए या फिर इसकी मॉम की तरह हरा, पता नहीं यार, लेकिन इसकी मॉम नेट कुछ तो कर रहा है। तो चलो अपन थोड़ा घूम के आते हैं, देखते हैं अपनी छोटू गॉडजिला के पास कितना ज़्यादा पावर है। और अपन कभी कभी सिटी के अंदर आते हैं और इधर एक चिकन फैक्ट्री है सो इधर से बहुत सारे चिकन चुरा के भाग जाते हैं, क्योंकि अपन को चिकन खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कोई बात नहीं, चलो अभी घर चलते हैं, मतलब अपन ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकते, इधर और भी ज़्यादा मॉन्स्टर है और अगर सारे मॉन्स्टर को पता चलेगा अपन इधर घूम रहे वो लोग अपन को कुचल के रख देगा, अपन अभी बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। और शायद इसकी मॉम ने मछली पकड़ लिया खाने के लिए, चलो देखते हैं क्या क्या पकड़ा है उन लोगों ने। ओके चलो अपन आगे। ऑल राइट, सो गॉडजिला के मॉम ने बहुत सारे ऑयल को पकड़ा है खाने के लिए और इधर तो छोटे छोटे शार्क भी है, सो चलो अपन इसको खा लेते हैं। गाइस गॉडजिला की एज अभी 8 साल है और अभी इसके डैड के साथ घूमने के लिए जाएगा। देख रहे हो गाइस गॉडजिला उसकी डैड के कंधे पर बैठ गया। भाई साहब इसकी डैड तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, देखो गाइस इसकी डैड कितना ऊंचा जंप लगा सकता है। अरे भाई साहब ये तो बहुत ही से भाग भी सकता है। तो गाइस गॉडजिला भी शायद बड़ा होकर इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा और इसकी डैड शायद गॉडजिला को सिटी के अंदर ले जाना चाहता है। अरे भाई साहब ये तो किंग बन रहा है। अरे यार ये अपने सामने क्या कर रहा है। अरे ओए गॉडजिला, इतना जल्दी किस बात की है, आज मैं सारे जायंट को खत्म करूंगा जो भी मेरे दुश्मन है। आ जा तू मेरे साथ, मैं तुझे यूज करूंगा और तेरे बेटे को मैं मार दूंगा। इधर ओ छोटू मेरी बात सुन, तू भागे कहीं पर छुप जा, मैं इसको मारता हूँ। अरे भाई साहब किंग की तरह गॉडजिला के डैड को खेल लिया है, चलो अपन इधर से भाग जाते हैं। अरे भाई साहब गॉडजिला के पास भी ये वाला पावर आ गया, गॉडजिला भी ऐसे घूम सकता है। ओके अपन इधर से भाग के छुप जाएंगे इधर, लेकिन अपन देखेंगे किंग की तरह क्या करता है गॉडजिला के डैड के साथ। चलो अपन इधर आके छुप जाएंगे। ओके इधर से वो देख नहीं पाएगा, चलो अभी देखते हैं किंग की तरह क्या करता है। गॉडजिला तेरे बेटे को तूने भगा दिया लेकिन तू कुछ नहीं कर सकता, अभी मैं तेरे ऊपर मेरा जादू चलाऊंगा, अब तो मेरा गुलाम है। जी मालिक आपकी जो हुक्म है। अबे तू चल मेरे साथ, मैं तेरी कालाट भी चेंज कर दूंगा और तू चल के कॉन्ग की पूरी फैमिली को मारेगा। अरे यार किंग सर तो बहुत ही ज़्यादा चालू है, वो गॉडजिला की डैड को ले जाएगा कॉन्ग की फैमिली को मारने के लिए, लेकिन अपन अभी कुछ नहीं कर सकते, अपन अभी बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। अपन उनको फॉलो करेंगे, देखते हो लोग कहाँ पर जाता है। आज कॉन्ग की फैमिली को कोई नहीं बचा सकता, कॉन्ग की फैमिली को आज मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, फिर तेरी बारी भी आएगा, लेकिन अभी के लिए चल मेरे साथ। उस आइलैंड पे कॉन्ग की फैमिली रहता है, मैं इधर रुक जाता हूँ। किंग इधर ने गॉडजिला के डैड को पकड़ के ले गया, अभी चलो अपन उसके पीछे पीछे चलते हैं। चलो अपन इधर से देखते हैं गॉडजिला के डैड क्या करता है। लेकिन ये क्यों हुआ, गॉडजिला के डैड की कार तो बिल्कुल चेंज हो गया, ये तो गॉडजिला की तरह बन गया यार। गॉडजिला अभी जा कॉन्ग की पूरी फैमिली को मार डाल। जी मालिक, कॉन्ग की फैमिली को मारना है, ये तो कॉन्ग की मॉम है, चलो इसको मैं मार देता हूँ। हेले हेले, कॉन्ग की मॉम को तो मार दिया और कॉन्ग की डैड कॉन्ग को भगा दिया है, इसकी तो ऐसी की तैसी, तेरे बेटे को तूने भगा दिया, अब तेरी बारी है, हेले मर जा। ऑल राइट, मैंने कॉन्ग की मॉम एंड डैड दोनों को ही मार दिया। मालिक मैंने कॉन्ग की मॉम डैड सबको मार दिया है, बहुत अच्छा किया तूने, अभी चल मेरे साथ, अभी तेरी बीबी को मारना है। अरे भाई साहब किंग इधर तो बहुत ही ज़्यादा चालू है, पहले गॉडजिला की डैड को यूज़ किया कॉन्ग की फैमिली को मारने के लिए, लेकिन कॉन्ग तो भाग गया, अभी जा रहा है गॉडजिला की फैमिली को मारेगा। चलो अपन को अभी जल्दी से पहुंचना होगा, गॉडजिला की मॉम को वार्निंग देना होगा, चलो अपन फटाफट भागते हैं। अभी जा तू तेरे बीबी को मार दे। जी मालिक आ जा मेरे पास, हेले चलो इसने इसकी बीबी को मार दिया, अभी इसकी बारी है, आ जा मेरे साथ, तुझे मैं बहुत ही अच्छे से मारूंगा, मेरे साथ ले जाकर चल पानी के अंदर। गाइस अपन पहुंच गए, शायद अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, चलो देखते हैं। अरे यार तो गॉडजिला की मॉम है तो इसका मतलब है अपन लेट हो गए। सो गाइस ऐसे ही गॉडजिला की डैड किंग गिदोरा की कंट्रोल में आकर उसकी मॉम को मार दिया और साथ में कॉन्ग की फैमिली को मार दिया और साथ किंग गिदोरा ने गॉडजिला के डैड को भी मार दिया, लेकिन इसकी डैड कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अपन इसकी बदला जरूर लेंगे। गाइस अभी गॉडजिला की एज 25 ईयर्स है और गॉडजिला भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है, चलो देखते हैं। देख रहे हो गाइस गॉडजिला के पास भी बहुत ही ज़्यादा पावर आ गया, मतलब ये भी इसके डैड की तरह बड़ा हो गया, लेकिन अभी तक अपन को किंग गिदोरा नहीं मिला, पता नहीं वो कहाँ पर छुप गया।
लेकिन गाइस अपन ज्यादातर रहते पानी के अंदर, बट अपन अभी बाहर आए क्योंकि गाइस कोई अपनी तरह बड़ा मॉन्स्टर आया है जो कि लॉस एंजेलिस के अंदर घूम रहा है। चलो कौन सी मॉन्स्टर है देखते हैं। अगर वो किंग गिदड़ा हुआ तो उसको अपन मार डालेंगे, बदला अपन जरूर लेंगे उससे। वैसे अपन बहुत तेजी से भाग के जा रहे हैं, देख रहे हो गाइस गॉडज़िला की पावर कितना ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन अपनी तरह जायंट मॉन्स्टर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। चलो और भी थोड़ा देख लेते हैं। भाई साहब ये तो सच में किंग गिदड़ा ही था। ऑलराइट, किंग गिदड़ा अपन को फाइनली मिल चुका है, अभी अपन इससे बदला जरूर लेंगे। आजा किंग गिदड़े मेरे पास आजा। ए ले भाई अपन इसको मार भी नहीं पा रहे। भाई साहब सीधे सीधे से ले भाई, तू मेरे को ही मार रहा है। गाइस इसको हराने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा। सो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अपन इसको मार दें। इसकी दसी दसी आजा मेरे पीछे पीछे, इसको अपन पीटेंगे जरूर। अरे भाई साहब क्या ही कूद गया। अरे भाई क्या हो रहा है ये, कौन किसको मार रहा है। अरे भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा, भाई साहब तो फंस के ही रह गया। अच्छा मेरे साथ भाई साहब गॉडज़िला तो उसके डैड से भी ज़्यादा पावरफुल बन गया। किंग इधरों को कैसे पकड़ लिया देखो। चलो इसको फेंक के मार दे। ये ले अपने साथ पंगा लिया था। अरे भाई तो अभी तक जिंदा है। अरे भाई क्या ही कूद गया ये। ए ले तू अपने साथ पंगा ले रहा है ये, अब तो मर जा। चलो गाइस अपने फाइनली किंग इधरों को तो मार दिया है, अपनी बदला तो हो गया, अभी चलो अपने घर चलते हैं। ओके ये कौन है। अरे भाई तो कौन है शायद, इसको क्या चाहिए। ओए कौन, तेरे को क्या चाहिए। अरे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बदला चाहिए गॉडज़िला, मैं तुझे मार डालूंगा। तूने मेरी मॉमलेट को मारा था, आज मैं उसका बदला लूंगा। ओए कॉन्ग मेरी बात तो सुन। अरे मेरे को कोई बात नहीं सुनना गॉडज़िला, आज मैं तुझसे बदला लूंगा। अरे भाई साहब क्या ही मार रहा है मेरे को। अरे कॉन्ग मेरी बात तो सुन ले, मैंने तेरी मॉमलेट को नहीं मारा है। गॉडज़िला तू झूठ बोल रहा है, मैंने देखा था तूने मेरी मॉम को मारा है और मेरे डैड को भी मारा था, मैं भाग के छुप गया था। अरे कॉन्ग मेरी बात तो सुन ले यार, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। अरे कॉन्ग मेरी बात तो सुन, असली कल्प्रिट किंग इधर आए जिसने मेरे डैड को कंट्रोल कर लिया था और उसके कंट्रोल में आके उसने सबको मार दिया। मैंने किसी को नहीं मारा है यार। अरे मैं नहीं मानता, मुझे बदला चाहिए। अरे मैंने किंग इधरों को भी मार दिया है, मैंने तेरे होकर बदला भी ले लिया। ओके तो फिर ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, कॉन्ग ने तो अपन को गलत समझ लिया था, अभी चला गया। चलो अभी अपन अपना घर चलते हैं और अगर फिर से कोई मॉन्स्टर आएगा सो अपन को फिर से आना पड़ेगा। गाइस गॉडज़िला की एज अभी 70 ईयर्स है और अभी अभी अपन को पता चला मिलिट्री बेस के अंदर किंग गिदोरा फिर से आ गया। पता नहीं कैसे आ गया, अपन ने किंग गिदोरा को बहुत साल पहले मार दिया था लेकिन वो फिर से कैसे आ गया पता नहीं। चलो मिलिट्री बेस के अंदर चलते हैं, उधर चल के पता चलेगा क्या हो रहा है। ओके अपन मिलिट्री बेस के पास आ गए अभी। चलो अरे भाई साहब अपन को दो दो मॉन्स्टर की सेंस आ रहा है, दूर से तो एक ही मॉन्स्टर लगा था। चलो पास चल के देखते हैं क्या हो रहा है मिलिट्री बेस के अंदर। अरे भाई साहब दो दो मॉन्स्टर आ गया, एक तो मेका गॉडज़िला ऊपर से लावा की गिदोरा। किंग गिदोरा ने खुद को अपग्रेड करके लावा किंग गिदोरा बन गया, क्या अपन इसको हरा सकते हैं। ए ले अरे भाई दोनों मिलके क्या ही मार रहे हैं मेरे को। किंग गिदोरा ने शायद मेका गॉडज़िला के अंदर अपने पावर भी डाला है, पता नहीं यार इसकी पावर तो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। ए ले इसको अपन मार रहे लेकिन इसको कुछ नहीं हो रहा। अरे भाई लोग क्या ही मार रहे, अपन को इधर से भागना पड़ेगा, अपन इनको हरा नहीं सकते। चलो इधर से भाग जाते हैं। गाइस अपनी हालत अभी बहुत ही ज़्यादा खराब है, अपनी पावर बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी है जो लोग चाहते हैं कि अपन जाकर किंग गिदोरा को हराए। सो इसीलिए उन लोगों ने इस सबमरीन के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब लाया है अपने ऊपर फोड़ने के लिए। सो देखते हैं जब ये लोग अपने ऊपर इस बॉम्ब को फोड़ेगा क्या होगा। ऑलराइट बॉम्ब फोड़ने के बाद ये अपने साथ क्या हो गया, अपनी बॉडी में तो न्यूक्लियर की पावर आ गया। ओके अपनी पावर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, अभी चलो उनको मारते हैं उनकी ऐसी की तैसी। ओके मिलिट्री वाले ने दोनों को भेज दिया है। ए ले बहुत हो गया इनका। अरे भाई पास तो आ यार। ए ले भाई सब मेरे साथ मंगा ले रहे तू, इस मेका गॉडज़िला की ऐसी की तैसी, अपन इनको कैसे मारे यार, दोनों मिलकर क्या ही पीट रहा है मेरे को। अरे भाई क्या हो रहा है, कौन किसको मार रहा है यार। ए ले ओके मेका गॉडज़िला तो गया काम से, एक को तो अपन ने हरा दिया, अभी इसकी बारी है। भाई सभी तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया शायद। अरे भाई अभी तक जिंदा है ये, मेरे को लगा मर गया लेकिन अभी तक जिंदा है। फिर से अपन इसको फेंक दिया, कितना दूर फेंक दिया अपन इसको। चलो इसके पास चलते। अरे मर जा, कितना मार खाया और, अब तो मर जा, बहुत हो गया इसका। ए ले अपन इसको कीक मारे फिर भी इसको कुछ नहीं हो रहा, तब से अपन इसको मार रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं मर रहा, सब कुछ तबाह हो रहा है बट अभी तक ही जिंदा है। लावा किंग इधर की पावर देख रहा हूँ, क्या ही खतरनाक पावर है। क्या मर गया, अरे भाई साहब फाइनली मर गया। सो गाइस फाइनली अपने किंग इधर को मार दिया है, लेकिन ये क्या हो रहा है, अपने को एक और मॉन्स्टर की सेंस आ रहा है, मतलब अपने जैसा एक और जायंट आ गया। ये कौन है यार, चलो देखते हैं। ऑल राइट हो रहा है जायंट। अरे भाई साहब तो मेरी तरह दिखता है,
मतलब ये भी गॉडजिला है, लेकिन ये तो बिल्कुल सफेद है। अरे बेटा, तूने मेरे को नहीं पहचाना, मैं हूँ तेरा डैड। मेरे को किंग द्वारा ने नहीं मारा था, उसने मेरे ऊपर जादू करके रखा था, लेकिन अचानक से उसका जादू टूट गया और मैं आ गया इधर। ओके, ये तो गॉडजिला की डैड है। इतनी साल बाद गॉडजिला को उसकी डैड मिल गया, मतलब किंग गिदरा ने इसके डैड के ऊपर जादू करके रखा था। अभी अपने किंग गिदरा को बिल्कुल मार दिया है और इसका जादू भी टूट गया। भाई साहब, इसकी डैड तो बिल्कुल सफेद बन चुका है। सो गाइस, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, अपन और भी ऑसम GTA 5 की वीडियोस लाएंगे। एंड गाइस, कमेंट में जरूर लिखो आप लोग और किसके लाइक को देखना चाहोगे। सो खैर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।